तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आपने अभी देखा होगा सैमसंग के जो एंड्रॉयड 10 का अपडेट या वन यू आई 2 का अपडेट आया था, उसके अंदर बहुत से सेटों में, बहुत से सैमसंग की सीरीज़ में 70A 50A उस सीरीज़ में स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी जो सैमसंग A30s में नहीं आया है, तो मैं दोस्तों यही चीज़ एक ट्रिक बताने वाला हूँ। और सैमसंग के छोटे मॉडल पर भी नहीं है, तो ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएंगे बिल्कुल जो पहले जो और दूसरे सेटों में आया बिल्कुल उसी की तरह। तो ऐसा सिस्टम बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आगे चलते हैं। दोस्तों मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में। अपने मोबाइल के जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर करने के बाद आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है नो एडवर्टाइजमेंट वाला, जो कि 3 MB का ऐप है, आपको कर लेना है इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको करना है इसको नॉर्मली ओपन। अभी डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपको कर लेना है नॉर्मली इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करने को बोलेगा कोई भी फोल्डर, जिस फोल्डर में आपको सेव करना चाहते हैं। तो आप जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में ले जाके उसको दे दीजिए। लाइक मैं यहाँ पर अलार्म में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाके उसको दे देता हूँ अलाउ टू एक्सेस एंड अलाउ कर देता हूँ। तो एक मैंने पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग करी हुई है तो यहाँ पर देखने लगी है। यहाँ पर आएंगे सबसे ऊपर 3 डॉट्स में, तो वीडियोज़ यहाँ दिखेंगी। स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। सेटिंग पे जाएंगे तो सबसे ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको 3 सेकंड के लिए, आप यहाँ चाहे तो सेकंड बढ़ा भी सकते हैं। 3 सेकंड का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ वीडियो पे गया और मैंने यहाँ वीडियो बनाई, तो ये आप देखेंगे अलाउ स्टार्ट कर दीजिए एंड देखेंगे 3 सेकंड का टाइम चल रहा है। तो ये वो टाइम वो दिखा रहा था और यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होना चालू हो चुकी है। आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन नीचे करेंगे एंड देन यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद आप यहाँ पर वीडियो दिख जाएगी, आप चाहें डिलीट करना, ओपन करना एंड जो करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। ये नीचे आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग इंजन मिल जाएगा, जैसे आपसे आपको रिकॉर्डिंग करना चाहे वैसे करवा लीजिए। स्टॉप ऑप्शन मिल जाएंगे, फाइल फॉर्मेट जैसा हम सेव करना चाहें वो करवा दीजिए। फाइल के नेम क्या है, कुछ आगे डालना चाहते हैं तो सेव दिस प्रीफिक्स पे कर दिए। ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिख रहा है। आप यहाँ चाहते हैं इसका फुल HD करना तो यहाँ से बढ़ा लीजिए। एंड देन जो आपको अगर रिकॉर्ड ऑडियो करना है तो यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। नीचे आपको दिख रहा है ऑडियो चैनल, बहुत हिसाब से अपने हिसाब से उसको पूरी तरह से मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे, पूरी तरह से हो चुका है। आप चाहें तो इसको डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हो चुकी है। यहाँ स्क्रीनशॉट दिखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ ट्रिम वीडियो करनी है तो वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। सबसे जो खास फीचर है इसका कि ये नोटिफिकेशन पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। नोटिफिकेशन पे लाने के लिए आपको करना है नीचे पूरा टॉप डाउन। यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर जो दिख रहा है सेटिंग के, यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर एन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर जाना है बटन ऑर्डर पे। ऑर्डर पे जाएंगे तो आपको ऊपर देखेंगे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको यहाँ से करना है इनको ड्रैग एंड डाउन, ड्रैग एंड डाउन एंड ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर सबको यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर लाने के बाद होगा क्या, आप इसको कर दीजिए डन और देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगे। आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आपको करना है स्क्रीन रिकॉर्ड पे क्लिक देन स्टार्ट। तो आप देखेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग नॉर्मली ये चालू हो चुकी है और मेरी वीडियो रिकॉर्ड होना चालू हो चुकी है। मैं कुछ भी करूँगा वीडियो रिकॉर्ड होना चालू हो गया। अब स्टॉप करना है तो आपको नीचे नोटिफिकेशन को नीचे करना है एंड देन यहाँ से कर देना स्टॉप, तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। एंड जेन दो दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्ड का, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लेगा। वो स्क्रीनशॉट ले लिया, आप देखेंगे ये उसने स्क्रीनशॉट ले चुका है जो करेंटली अभी उसने स्क्रीनशॉट लिया है, ये इसके लिए दिया हुआ है। एंड देन उसके बगल वाला जो ऑप्शन है, अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं वीडियो के साथ तो उसको इनेबल रखिए, नहीं तो उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। एंड देन सबसे बगल में फ्लोटिंग का जो दिया हुआ है, ये फ्लोटिंग ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से कहीं भी ड्रैग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। फर्स्ट पे वीडियो बनेगी, सेकंड में माइक ऑफ हो जाएगा। देन यहाँ पर स्क्रीनशॉट के लिए दिया हुआ है, तो इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे क्लासिक पिक्चर रहेगी, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अभी तक अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये फोटो आपको दिख रही है। थैंक यू दोस्तों।